बिहार में सबने नीतीश तेजस्वी सरकार को जाते देखा, फिर नीतीश बीजेपी सरकार को आते देखा, नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनते देखा, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनते देखा। देखना बाकी था कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा और लोग जिनको मंत्री बनना है वो कब शपथ लेंगे। लगातार कयास लगाए जा रहे थे बिहार में, किसी भी दिन हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, किसी भी दिन शपथ हो सकती है। पिछले 3 दिन से तो खासतौर पर लगातार चल रहा है, जब से लंदन दौरे से लौटे हैं नीतीश कुमार, की मंत्रिमंडल विस्तार बस होना ही है। तो आज भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और इस पूरी कहानी पर बात करने के लिए कि कौन बड़े नाम हो सकते हैं शामिल, जेडीयू से, बीजेपी से या अन्य सहयोगी दलों को क्या मौका मिल सकता है मंत्रिमंडल विस्तार पर, इस पूरे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना से जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी, पंकज झा जी, जिनको आप हमारे साथ उत्तर प्रदेश में देखते रहते हैं, लखनऊ की सियासत, उत्तर प्रदेश सियासत के बारे में बताते रहते हैं। मगर मैं आपको बता दूँ, पंकज जी जितना यूपी के हैं उतना ही बिहार के हैं, खबर तो हालांकि पूरे देश की रखते हैं। पंकज जी, मंत्रिमंडल विस्तार होना है और 3 दिन से हम देख रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, आखिर आज भी होना है कि बस कयासी है? ये जो सूत्र महोदय है ना, ये आजकल बहुत फेल हो रहा है जी। मतलब पहले तो ये कहा जाता था कि बीजेपी के मामले में सूत्र महानुभाव जो है गच्चा खा जाते हैं, अब तो मैं देख रहा हूँ नीतीश कुमार के मामले में भी सूत्र गच्चा खा जाते हैं। ये बात तो सच है कि दूल्हा तो नीतीश कुमार ही है, हर बार में साथी बदल लेते हैं, बाराती इधर उधर बदल जाता है, उनके चेहरे बदल जाते हैं, पर दूल्हे राजा वही नीतीश कुमार हैं, वो तो रहेंगे ही। अब 3 जब से लौटे हैं ना विदेश दौरे से नीतीश कुमार, ये तो तय है सौरभ जी कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होना है, तो उससे पहले थोड़ा सा राजनीतिक गुणागणित कर लिया जाए, नेताओं को सेट उट कर दिया जाए, तब ना नेता दोगुने मन से काम करेंगे, जिनको मंत्री बना दिया जाएगा वो टाइट होके जाएंगे, लाल की गाड़ी में घूमेंगे, थोड़ा सा प्रचार विचार करेंगे। अब जानते हैं गर्मी भी बढ़ रही है, हम भी यहाँ 2 दिन से हैं इसी में कि आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। कल शाम 5 बजे की बात कही जा रही थी, सब लोग जिनको जिनको मंत्री बनना है ना वो पटना छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और मैं अभी आपको एक बात बताऊं, अभी मैं बीजेपी के नेता है नितिन नवीन, आप जानते होंगे, छत्तीसगढ़ के पार्टी के सह प्रभारी भी रहे नवीन किशोर सिन्हा, बड़े बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता होते थे बिहार के, उनके पुत्र है, युवा नेता है, कास्ट बिरादरी से, उनके घर गया तो देखा ढेर सारी कुर्सियां तक पे लगी थी, लगा मंत्री बन रहे हैं तो अभी से कुर्सी वर्सी लगेगी, लोगों को मिठाई पानी मिलेगा। हमने कहा भाई साहब बधाई हो आपको, करे रुक जाइए भैया, बीजेपी है, यहाँ बधाई मत दीजिए ऐसी जब तक औपचारिक घोषणा ना हो जाए। मैंने कहा आप तो हर सरकार में मंत्री रहे हैं भाई, हर सरकार मंत्री संगठन में अच्छा खासा धकल, उसके अलावा भी छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी भी थे, तो मतलब अच्छा वजूद रखते हैं, वही कंफ्यूज है। छत्तीसगढ़ में पार्टी जीत भी गई, तो मैंने कहा कुर्सी उर्सी लगी हुई है, बोला अरे इससे मत जाइए कि कुर्सी आ रही है जा रही है, हमें जब तक आधिकारिक रूप से नहीं बता दिया जाएगा हमने, मतलब आप तो बन रहे हैं, बोला ये भी नहीं कह सकता, मन में इच्छा भी हो तो नहीं बोल सकता। तो ये तो हाल बीजेपी का, लेकिन जेडीयू कैंप की कहानी थोड़ी सी सौरभ बाबू अलग है जी। वहां जिनको मंत्री बनना है उन सबको कल माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बाकायदा फोन किया और कहा कि आप लोग पटना में है ना, पटना में रहिएगा ही, यहाँ से जाइएगा नहीं कहीं, तो सब लोग पटना में हैं। तो जिनको जिनको फोन गया, रात में मैंने उन कई लोगों से बात कर ली, उसके आधार पर हमने लिस्ट बना ली। अब सबसे बड़ा सवाल जो लाख टके का जो यक्ष प्रश्न आपने किया है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, ये बात अभी भी कंफर्म से नहीं कहा जा सकता। सूत्र महोदय कह रहे हैं कि चूंकि 4 बजे कैबिनेट की बैठक है तो उससे पहले हर हाल में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, और ये कहा जा रहा है कि चूंकि कैबिनेट मीटिंग में 78 बड़े एजेंडे हैं, चुनाव आचार संहिता कभी भी लग सकती है तारीखों के ऐलान के साथ, तो सारे एजेंडे पर एक बार फाइनल हो जाएगा, तो इसीलिए लोग मान के चल रहे हैं कि आज हो जाएगा 4 बजे से पहले। राजभवन अलर्ट मोड में है, लेकिन भैया जब शपथ ग्रहण होगा तो कार्ड भी छपेगा ना, कुछ लोगों को कार्ड भी तो जाता है निमंत्रण पे, वो लोग आएंगे ना भाई। अब मान लीजिए मैं ही मंत्री बन रहा हूँ, मतलब मान लीजिए कोई बन रहा है, तुम्हारा परिवार ये सब आएगा, तो ये सारी चीजें होती। ऐसी कोई सुगबुगाहट अभी निमंत्रण पत्र गया हो, उसमें तारीख लगी हो, समय लगा हो, ऐसा कुछ है नहीं। सारे विभाग अलर्ट मोड में है, राजभवन भी अलर्ट मोड में है, मुख्यमंत्री भी अलर्ट मोड में है। कहानी कहाँ फंसी है वो बताऊं कि बीजेपी को लिस्ट देनी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि भाई ये है लिस्ट, ये बीजेपी के कोटे से मंत्री बनेंगे। अब उस लिस्ट के बारे में 2 तरह की कहानी है। एक कहानी ये है कि माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कल देर रात जाके नीतीश कुमार को वो लिस्ट दे दी है। एक बीजेपी कैंप के हवाले से कहा जा रहा है कि अभी लिस्ट दिल्ली से आई नहीं है, क्लियर हो तो जब आएगी तब जाएगी, तो फिर राजभवन जाएगा, तब खिचड़ी पकेगी, तब शपथ ग्रहण होगा कि मैं फलाना
सत्यनिष्ठा से वो करता हूँ जी। तो कहानी यहाँ अटकी हुई है, लेकिन तस्वीर जेडीयू की तरफ से देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। नीतीश कुमार और दो डिप्टी सीएम समेत अभी 9 मंत्री हैं टोटल, 36 हो सकते हैं, यानी 27 की वैकेंसी है। और नीतीश कुमार का एक स्टाइल रहा है कि वो 3-4 जो है ना सीट खाली रखते हैं। जेडीयू की तरफ से कोई बड़ा उलटफेर नहीं है, एक उलटफेर है जिसके बारे में सबको अनुमान है, तो उसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। नीतीश कुमार के ना आजकल दो आंख कान माने जाते हैं, एक का नाम अशोक चौधरी और दूसरे का नाम क्या है, संजय झा। तो झा जी जो है, जो जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जो पाला बदला है आखिरी वक्त पे आरजेडी से बीजेपी की तरफ, उसमें उनका बड़ा अहम रोल जी। तो कहानी हो चुकी है, तो संजय झा राज्यसभा सांसद बन गए हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि जब भी दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा तो शायद नीतीश कुमार ने उनके लिए कुछ गुड न्यूज दिमाग में फिट कर रखा है, तो राज्यसभा पहुंच गए। तो उनकी जगह जो माहेश्वर हजारी, जो आप याद करिए बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष होते थे, उनको इस्तीफा दिला दिया गया है और उनको जगह मिल रही है, और वो दलित समुदाय से आते हैं यानी एसटी समाज। कुल जेडीयू के जो मैंने लिस्ट हमारे पास दी गई है उसमें 9 मंत्री बनाए जा रहे हैं नए मंत्रिमंडल विस्तार में। अच्छा। सबसे पहला नाम जो दूसरे आंख है या दूसरे कान भी कह लीजिए, अशोक चौधरी जी अपने जो कभी बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, याद करिए जब गठबंधन की सरकार थी और राहुल गांधी एयरपोर्ट आ रहे थे तो मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण छोड़ के ना राहुल गांधी की अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट चले गए थे, याद है ना आपको, कहानी बड़ी खूब चर्चित रही। अशोक चौधरी के लिए पहली प्राथमिकता राहुल गांधी, अब अशोक चौधरी के लिए पहली प्राथमिकता माननीय नीतीश कुमार। मेरा नेता मेरा अभिमान एक आजकल वो कैंपेन चला रहे हैं, तो पहला नाम उनका है, वो भी एससी बिरादरी से है। दूसरा नाम माहेश्वर हजारी का है जो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, संजय झा की जगह रिप्लेस किए हैं। एक बात और भी बता दूं कि अभी तक भवन निर्माण मंत्री हुआ करते थे अशोक चौधरी, अब जाके जो जानकारी मिली है, क्योंकि जेडीयू ने एक तरीके से अपने विभागों का भी बंटवारा कर लिया, इस बार कोई करना उन्होंने सब तय कर दिया, कल सबको उन्होंने फोन भी कर दिया कि आप सब लोग यहीं रहिएगा, तो इस बार उनको भवन निर्माण नहीं कोई दूसरा मंत्रालय मिल रहा। तीसरा नाम जो है सुनील कुमार, सीनियर आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे और ये भी दलित बिरादरी से, गोपालगंज से आते हैं, आपने इनकी कुछ इंटरव्यूज वगैरह भी देखे होंगे जरूर जब ये आईपीएस से पॉलिटिक्स में आए थे, तो एक उनका नाम हो गया। एक और रत्नेश सदा है, ये भी अशोक चौधरी के करीबी माने जाते हैं, ये भी पहले मंत्री थे, जिनका जिनका नाम ले रहा हूँ सब मंत्री थे माहेश्वर हजारी को छोड़ के। अच्छा। तो रत्नेश सदा को भी मंत्री बनाया जा रहा है, और चार मतलब एससी बिरादरी के, अशोक चौधरी, माहेश्वर हजारी, सुनील कुमार और रत्नेश सदा। लेसी सिंह को आप जानते ही हैं, 2000 से लगातार वो विधायक बनी चलती आ रही हैं और पूर्णिया के धमदाहा से वो चुनकर आती हैं। पहली बार जब विधायक बनी थी तो उनके पति की हत्या कर दी गई थी बूटन सिंह की, लेसी सिंह ठाकुर बिरादरी से, जिसको राजपूत भी कहते हैं। फिर एक मदन सहनी है, ये मेरा घर पड़ता है दरभंगा मधुबनी, तो दरभंगा साइड के है, और चूंकि मुकेश सहनी तो अभी तक आए नहीं एनडीए फोल्ड में, तो सब सहनी मछुआरा समाज, मतलब अपने यूपी के संजय निषाद के पैरेलल वाले जी, जी। तो मदन सहनी पहले भी मंत्री थे और ये बहादुरपुर से चुनकर आते हैं। याद करिएगा लालू यादव के बड़े करीबी होते थे परछाई की तरफ, भोला यादव है ही जी। तो ये पहले चुनाव जीतते थे, इनको हराया था इन्होंने मदन सहनी ने, तो मदन सहनी बनेंगे। ये ईबीसी हो गए, जो खेला किया था नीतीश जी ने, पिछड़ों को पिछड़ा अति पिछड़ा, दलितों को दलित और महादलित जो अति पिछड़े से आते हैं। ओबीसी समाज से जयंत राज है, एक बांका जिला है, आप जब देवघर जाते हैं तो बांका होके जाते हैं, मेरा उधर ननिहाल भी है तो बांका से जयंत राज है, युवा है और ये भी पहले मंत्री थे कुशवाहा बिरादरी। इकलौते मुस्लिम अल्पसंख्यक के कोटे से जमा खान है और इनको मंत्री बनाया जा रहा, पहले भी मंत्री थे। और शीला मंडल, ये भी ओबीसी से है, तो जेडीयू कोटे से ये 9 मंत्री बन रहे हैं और ये कंफर्म है, सबको फोन चला गया है, सिर्फ एक बदलाव है संजय झा के बदले महेश्वर हजारी, और कोई बदलाव मतलब पूरा का पूरा मंत्री जो पिछली बार मंत्रिमंडल था जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार के साथ पूरा रिपीट हुआ है, संजय झा खाली रिप्लेस हुए हैं, बाकी सब पूरा वही रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, पुराना मंत्रिमंडल इसको कहिए चेप दिया गया है, संजय झा को हटा दीजिए तो वही का वही उठा के चेप दिया गया, कॉपी एंड पेस्ट जी। अब आइए बीजेपी की तरफ, बीजेपी में क्या है। हाँ, और एक बात तो बता दूं, डिस्क्लेमर लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि आप कभी भी फेल हो सकते हैं जी। तो मैं ये क्यों रिस्क लूं, तो आप भी ना लीजिए कि बीजेपी की लिस्ट चली गई है या नहीं गई है, ये भी अभी तय नहीं है।
लेकिन बीजेपी के लिस्ट में कुछ नाम तो ऑलमोस्ट तय है जिनका होना 100% जरूरी है, और एक तरीके से मुझे लगता है वो आ भी गई, हरी झंडी मिल गई। अब तो नितिन नवीन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, भाई कायस्थ बिरादरी से आते हैं और उनको जगह मिलेगी। पॉलिटिकली पटना में अगर देखें तो कायस्थों का एक अच्छा खासा बेस है, वोट बैंक है उनका, और इन्होंने याद करिए पिछले चुनाव में ना इन्होंने अपने शॉटगन जो है शत्रुघ्न सिन्हा जी के बेटे लव सिन्हा को चुनाव में हराया था उन्होंने। और ये पूरा जो बेल्ट है ना पाटलिपुत्र का, जहाँ से रविशंकर प्रसाद जो ये चुनकर आते हैं पटना से, तो मतलब कायस्थों का एक बड़ा समाज वहाँ पे वोट बैंक है। तो नितिन नवीन है, मंगल पांडे को आप जानते ही होंगे, ये भी प्रभारी अपने पश्चिम बंगाल के, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं बिहार में, सिवान जिले के हैं जहाँ के शहाबुद्दीन हुआ करते थे। इनके मन में इच्छा थी चुनाव लोकसभा, तीन मंत्री बन रहे हैं, मुझे लगता है स्वास्थ्य मंत्रालय इन्हें कहीं मिल जाए, बड़ा नाम है, ये भी आ रहे हैं। जीवेश मिश्रा है, ये जाले विधानसभा है, जाले विधानसभा इसीलिए है, दरभंगा के पास है, इसका जिक्र करना इसीलिए जरूरी है कि वहां से पिछली बार ना कांग्रेस ने एक एएमयू स्टूडेंट यूनियन के नेता को टिकट दे दिया था, नाम मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, बड़ा विवादित नाम था। उसकी वजह से देखिए बिहार में ना जातीय पोलराइजेशन होता है लेकिन कम्युनल पोलराइजेशन नहीं होता यूपी की तरह, लेकिन उनकी वजह से ना उस कांग्रेस उम्मीदवार की वजह से पूरा मिथिलांचल दरभंगा मधुबनी में हिंदू मुस्लिम हो गया, पोलराइज हो गया कम्युनली, और अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे आरजेडी के बड़े नेता चुनाव हार के पूरा सफाया हो गया उधर महागठबंधन का, मतलब मिथिलांचल में उस एक उम्मीदवार, वहां से जीवेश मिश्रा भूमियार हैं, तो कहा जा रहा है इनकी भी लॉटरी निकलने वाली है। एक हरी साहनी है, इनको हाल ही में एमएलसी बनाया गया, और ये जो मुकेश साहनी अपने सन ऑफ मल्ला, इनको जब एनडीए से बाहर किया गया तो उनकी भरपाई भी की जाएगी ना। अब ओम प्रकाश राजभर नहीं जैसे यूपी में, तो भैया सकलदीप राजभर है, अनिल राजभर है, वैसे यहाँ भी साहनी फिट किया गया, तो कहा जा रहा है कि हरी साहनी जो है उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एक है आलोक कुमार मूलता आलोक झा लिखते हैं जी। तो ये उधर के हैं, आपको सीमांचल साइड के हैं, पूर्णिया सहरसा साइड के जी। तो वो पहले भी मंत्री थे, उनके नाम की भी चर्चा है। रामप्रीत पासवान हैं, उनके नाम की भी चर्चा है बीजेपी में। तो इस तरीके से बीजेपी में कई नाम चल रहे हैं, लेकिन आखिरी वक्त तक क्या होगा वो कहना बड़ा मुश्किल है कि किसके नाम पे लॉटरी निकलती है और किनका किनका नाम लिस्ट में है जो नीतीश कुमार को भेजा गया है। बिल्कुल, तो कुल मिला के जेडीयू की तरफ से जो नाम है वो ज्यादातर पुराने हैं, जो मंत्री रहे हैं वही हैं, मगर बीजेपी में कुछ नए नाम शामिल हो सकते हैं ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन वो नए नामों के बारे में, हाँ जैसे मैं कह रहा था ना कि हरी साहनी है तो ये नए नाम हो सकते हैं। अब उनको एमएलसी बनाया गया है तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। मैं जहाँ खड़ा हूँ बगल में नीरज बबलू का घर है, ये बाहुबली नेता हुआ करते हैं, कभी आनंद मोहन के बहुत करीबी हुआ करते थे, तो नीरज बबलू पहले भी मंत्री रहे हैं, कहा जा रहा है उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ये ठाकुर बिरादरी से आते हैं। तो ऐसे अगर देखें तो जेडीयू और बीजेपी ने अपने अपने सामाजिक समीकरण और भौगोलिक समीकरण के हिसाब से, मिथिलांचल भागलपुर का इलाका हो, फिर शाहबाद का इलाका हो, फिर भोजपुर साइड का जहां भोजपुरी बोली जाती है, उसका एक कॉम्बिनेशन बना के दोनों ही ने अपनी अपनी लिस्ट तैयार की, चूंकि लोकसभा चुनाव है इसीलिए सामाजिक समीकरण बिठाने की कोशिश की गई। बिल्कुल, एक नाम मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, कल जब ये बात सामने आई कि चिराग पासवान को लेकर बातचीत बीजेपी के साथ तय हो गई है, उनको 5 सीटें मिलेंगी, और उनके चाचा जो हैं पशुपतिनाथ पारस उनको साइडलाइन किया गया है, उनसे कहा गया है कि या तो आप विलय कर लीजिए बीजेपी के साथ या फिर आपको गवर्नर बनाया जाएगा, और एक और प्रॉमिस किया गया था, ऐसा बताया गया सोशल मीडिया पर और तमाम सूत्रों के जरिए कि जो उनके भतीजे हैं प्रिंस राज उनको मंत्री बनाया जा सकता है, तो क्या उनका नाम भी इस लिस्ट में हो सकता है, सहयोगियों के लिए कोई जगह है? देखिए सहयोगियों के लिए तो जीतन राम मांझी भी मांग रहे हैं, पहले से कह रहे हैं, उनके संतोष मांझी बेटे ऑलरेडी हैं, दूसरी सीट के बारे में तो कोई सुगघाट देखी नहीं। ये जो मामला है जो आज दोपहर में पशुपति कुमार पारस तय करेंगे, बताएंगे मतलब मीडिया को कि उनका स्टैंड क्या है। कल मैं सोशल मीडिया प्रोफाइल में उनका एक पोस्ट पढ़ रहा था प्रिंस राज का, जो रामचंद्र पासवान रामविलास पासवान के भाई के बेटे हैं, जो रामचंद्र जी नहीं रहे, और प्रिंस ने मतलब गजब है भाई, नरेंद्र मोदी का जलवा देख दिया कि चिराग पासवान भी कहते हैं मेरे एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रिंस राज भी कहते हैं मेरे एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, और इन सबका काम लग गया है, 5 सीटें मिल गई चिराग को। ये कहा गया था दिल्ली से सूत्रों के हवाले से कि प्रिंस राज को एमएलसी बना के मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जब हमने यहाँ पटना में छानबीन की
तो एक आरजेडी के विधान परिषद के सदस्य हैं, उनका मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आरजेडी ने उनको निकाल दिया है, तो उनकी सदस्यता खतरे में है। तो हो सकता है उनकी जगह पर प्रिंस राज को बनाया जा सकता है अगर मंत्रिमंडल में लेना हो तो, लेकिन अभी तक कंफर्म कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है। और सबसे दिलचस्प बात यह है ना कि पशुपति कुमार पारस के साथ जो सांसद थे, वो वीणा शाही हो या चंदन सिंह हो, महबूब अली कौसर हो, जितने भी सांसद थे वो तो पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। थोड़ा मामला बहुत वो हो गया, मतलब गड़बड़ हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए प्रिंस राज के मामले में कुछ कह पाना इस वक्त बड़ा मुश्किल है, जब तक औपचारिक घोषणा ना हो जाए कि क्या एडजस्टमेंट किया गया है। अभी तक पशुपति कुमार पारस के बारे में पता नहीं चला, कभी कहा जा रहा है कि राज्यसभा सांसद ऑफर किया गया, कभी कहा जा रहा है राज्यपाल का ऑफर किया गया, कभी आता है कि आरजेडी की तरफ चले जाएंगे, आरजेडी की तरफ से उनको बिन मांगे निमंत्रण भी मिल रहा है। क्या करेंगे, अब पारस सच्चा ही बताएंगे। बिल्कुल, अभी इसमें क्लैरिटी होना बाकी, पर एक क्लैरिटी तो पंकज जी हो गई है सीटों के बंटवारे पर, ऐसा कहा जा रहा है। और साथ ही साथ चिराग पासवान ने अपनी पार्टी पर, अपने पिता की विरासत पर पूरा होल्ड काबिज कर लिया, और कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है कि असली एलजेपी वही है, उन्हीं का राज चलने वाला है, उन्हीं की सुनवाई हुई है और उन्हीं को बीजेपी ने जो उनके हिस्से की 5 सीटें थी सौंप दी हैं। तो ये तो क्लैरिटी हो गई है बिहार में अब। बिल्कुल बिल्कुल, चिराग पासवान ने अपने कार्ड बहुत शानदार तरीके से खेले, यूपी में देखता रहा हूं, तो इसीलिए यूपी में अगर देखिए जयंत चौधरी ना उस तरीके से बार्गेन नहीं कर पाए, 7 सीट उनको मिल रही थी समाजवादी पार्टी से, यहाँ 2 पर ही मान गए, एक ही एमएलसी मिला, तो वो एमएलसी तो ओमप्रकाश राजभर की 6 विधायकों वाली पार्टी को भी मिला है। लेकिन चिराग पासवान ने बहुत अधे हुए अंदाज में, अब देखिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में मंच पर नहीं थे, अलग एक रैली की, खूब भीड़ दिखाया, आरजेडी की तरफ से निमंत्रण भी दिलवा लिया, कितनी सीट भी मिल जाएगी, लगातार दबाव की रणनीति भी बनाते रहे, अपने को नरेंद्र मोदी का असली सिपाही भी कहते रहे और लोकसभा की 5 सीटें ले ली। कल तक ये था कि उनके हाथ खाली थे, आज उनके दोनों हाथ में लड्डू है। तो एक तरीके से चिराग पासवान को लोकसभा की 5 सीटें मिली है, वो मैं बताना चाहता हूँ, वैशाली है, हाजीपुर जहाँ से वो खुद चुनाव लड़ेंगे, ये ऑलरेडी उस बात का ऐलान कर चुके हैं, समस्तीपुर, जमुई, पहले वो जमुई से सांसद थे पर जमुई से लड़ेंगे नहीं वो, और नवादा, नवादा जहां से सूरज भान के भाई चंदन सिंह हैं, ये 5 सीटें उनको मिली है। टोटल अगर देखें 40 लोकसभा की सीटें हैं, इस पिछली बार याद करिए 17-17 पे जेडीयू और बीजेपी लड़ी थी, मतलब दोनों भाई बराबर रहेंगे, इस बार मामला बदल गया है, इस बार बीजेपी बड़ा भाई के रोल में है लोकसभा चुनाव के मामले में, वो 17 सीटों पर लड़ेगी, 16 सीटों पर लड़ेगी जेडीयू, 5 सीटें चिराग पासवान, 1 सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को काराकाट मिला है, और जीतन राम मांझी की पार्टी को, जीतन राम मांझी खुद चुनाव लड़ेंगे, वो है गया सुरक्षित सीट। अब ये काराकाट और गया दोनों जेडीयू की अपनी सीट है, तो अब ये सीट एक्सचेंज की जाएगी ना बीजेपी से। दूसरी बात, एलजेपी के पास जो खगड़िया सीट थी जहां से महबूब अली कौशल सांसद है, वो सीट खाली हो गई है, तो वो सीट किसको जाएगी, किशनगंज को लेके हो रहा है कि किशनगंज जेडीयू लड़ेगी, तो अब ये जो काराकाट और ये मामला फंसता है कौन सा, गया, इसके बदले में कौन सी सीट एक्सचेंज करेंगे। तो उसमें मेरी बात हो रही थी जेडीयू के नेताओं से, तो लोगों ने बताया कि एक शाहबाद का इलाका आता है, जैसे एरिया होता है ना जी पश्चिमी यूपी पूर्वांचल, वैसे बिहार में शाहबाद का एरिया है जिसमें आरा, जहानाबाद, बक्सर, गया, सासाराम का इलाका आता है, यहाँ जेडीयू के पास एक भी सीट नहीं है। जेडीयू चाहती है कि औरंगाबाद या सासाराम में से कोई एक सीट बीजेपी से वो एक्सचेंज कर ले, अभी इस पर फैसला होना बाकी है। लेकिन मोटे तौर पर देखें तो एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, एक दो सीटों को एक्सचेंज करने पर फैसला किसी भी वक्त लिया जा सकता है, जब बैठेंगे बड़े नेता तो तय कर ही लेंगे। एनडीए में हो गया, आरजेडी में भी हो गया है क्या, क्योंकि आरजेडी के लिए ना वहां तो लठ्ठा मची हुई अभी जी, मतलब तय करना तो लालू जी को है। अभी देखा आपने एमएलसी वाले चुनाव में कांग्रेस को सीटें नहीं मिली, लेफ्ट को दे दिया, देखिए लालू जी का फंडा क्लियर है, उनको लगता है कांग्रेस को कम से कम सीट दो, विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीट दे दी इसीलिए तेजस्वी नहीं ऊपर जा पाए, ऐसा मानना है लालू यादव का अपना फीडबैक। वो कह रहे हैं कि वोट अगर किसी के पास है तो CPIML है, माले जिसको कहते हैं यहाँ बिहार में, और CPI और CPM की है, अब माले मांग रही है 3 से 5, CPM मांग रही है 2, CPI मांग रही है 2, कांग्रेस वाले मांग रहे हैं 10, और ये भी जो है वो 30 से नीचे नहीं जाना चाहता, तो इस आधार पे तो 50 लोकसभा की सीटें चाहिए, है 40 सीट, लेकिन देखना है, आज बिहार में चुनाव समिति की बैठक है, मोटे तौर पर बातचीत होगी, तो मुझे लगता है कि 28-30 के बीच में आरजेडी जानी चाहिए, और इसी आधार पर 7-8 कांग्रेस और बाद बाकी लेफ्ट पार्टियों को जाएगा। लेकिन एक बात को लेकर लालू का फंडा क्लियर है तो तेजस्वी यादव का भी, कि अगर बेस वोट है किसी का तो कांग्रेस के मुकाबले लेफ्ट का, लेफ्ट उनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है।
जी, तो कुल मिलाकर बिहार में स्थितियां साफ होती दिख रही हैं। मंत्रिमंडल विस्तार भी आज कयास लगाए जा रहे हैं, हो सकते हैं कौन से नाम शामिल हो सकते हैं वो पंकज जी ने आपको बताया। जेडीयू के 9 नाम गिनाए, बीजेपी के जो नाम कयास लगाए जा रहे हैं तमाम बड़े नाम उनका जिक्र किया। हालांकि अंतिम मुहर बीजेपी पर, तो भाई जब बीजेपी की लिस्ट आ जाती तभी लगती, तो उसका डिस्क्लेमर भी पंकज जी ने दे दिया है। बाकी गठबंधन को लेकर जो चल रहा था भाई, किसको कितनी सीटें मिलेंगी वो भी क्लियर लगभग हो गया है। एनडीए में, इंडिया गठबंधन में होना बाकी है, उस पर भी पंकज जी ने बताया कि आज शाम तक बैठक है तो उसमें क्लियर क्लैरिटी हो जानी चाहिए, क्योंकि चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। आज से लेकर कल तक कभी भी चुनाव घोषित हो सकते हैं, तो देखने वाला होगा कि बिहार की सियासत किस तरफ बढ़ेगी। बाकी लोकसभा चुनाव हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश और पूरे देश से जुड़ी जो भी राजनीतिक गतिविधियाँ होंगी, जो भी अपडेट्स होंगे, आप तक हम ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पटना से आप जुड़े, अभी आपको यूपी के लिए जोड़ेंगे, धन्यवाद। बाकी बिहार की जनता के लिए यही अपडेट है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, आज तैयारियां चल रही हैं, राजभवन को अलर्ट पर रखा गया है और शाम 4 बजे तक ऐसी सूचना है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, मंत्री शपथ ले सकते हैं। कौन से नाम होंगे आपको ये बताया हमने, बाकी जो भी जानकारी और आएगी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।